Assalamu alaikum, my name is Ridwan Cheema. I welcome back with another video of Capital Smart Today. With me, the Chief Operating Officer of Capital Smart Today, Malik Aslam Sahab is here. So let's start with your questions which you wrote in the recent video. Sabse pehle poochte hain sir, assalamu alaikum. Thank you so much for giving us time. Sir, sabse pehla sawal ye hai ki bahut sare log ye sawal karte hain Capital Smart Today ke interchange. आपसे सुबह से बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू किया और सबने एक कॉमन सवाल पूछा होगा इंटरचेंज के बारे से. उसके बारे से जो रीसेंट अपडेट्स हैं, क्योंकि लेटर आउट हुआ था मार्केट में लेकिन उसके बाद वो उस पर कोई बात नहीं हुई, तो उस पर कैंडी बता दें कि उसका क्या अपडेट है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच. आप बहुत तशरीफ लाए और आप बात कर रहे हैं. देखिए, ये जो है ना बड़ा सेंसिटिव इशू है. आपने जब ये ऐड आई थी एनर्जी की, आपने देखा होगा जब तक 75% प्रोग्रेस ना हो जाए आप इस सारे डॉक्यूमेंट को नॉर्मली ओपन नहीं कर सकते. हमारे एनओसी पे या जो भी कार्रवाई हो रही है उस पर इफेक्ट आ सकता है. तो जो हमने आपसे प्रॉमिस किया था उसके मुताबिक ही काम चल रहा है, बल्कि उससे हम एडवांस हैं. उससे पहले इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें सारी आ जाएंगी, मगर इसमें ज़्यादा हम बात करना ज़रा हमारे लिए मुश्किल है इस वक्त. चलिए, एक दूसरा सवाल जो बहुत सारे जो कस्टमर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी प्लॉट बाय किया है कैपिटल स्मार्ट सिटी में, उनका सवाल होता है कि एक जनरल ब्लॉक के नाम से ब्लॉक लॉन्च किया था इन द पास्ट 2017 में, और उसके बाद एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में कुछ लोगों ने शिफ्टिंग करवा दी. जिन लोगों ने जनरल ब्लॉक में प्लॉट जिनके हैं शिफ्टिंग नहीं हुई इनकी, उनके प्लॉट का स्टेटस क्या, उनके फ्यूचर क्या अपडेट्स हैं? देखिए, नॉर्मली तो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक जनरल ब्लॉक एक ही ब्लॉक है ना, ठीक है. लोकेशन उनकी साथ साथ ही है, दोनों पे काम हो रहा है इस वक्त. जिन लोगों ने प्लॉट अपने शिफ्ट करवा लिए थे एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में, उनको बिल्डिंग जल्दी हो गई है. जो जनरल ब्लॉक में जो जनरल मोस्टली वही बच्चे हैं जिनकी पेमेंट्स लेट हैं, तो बार ये नहीं है कि हम उस पर कोई काम नहीं कर रहे. इस वक्त हमारा ओवरसीज 1-2 ओवरसीज प्राइम हार्मनी पार्क एंड जनरल ब्लॉक की जो लोकेशन है सब पे काम हो रहा है, काम चल रहा है, तो उनको भी पैरेलल ही प्लॉट मिल जाएगा. और एक थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि एक ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट 1 पहले लॉन्च किया गया, उसके बाद ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट 2 जो बाद में लॉन्च किया गया, उसके बाद अभी रिसेंटली विद इन 3 वीक्स पहले अभी एक ओवरसीज प्राइम ब्लॉक लॉन्च किया गया. बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि ओवरसीज प्राइम का, जैसे हम सब मार्केट कर रहे हैं ओवरसीज प्राइम को, तो हम एक बात डिस्कस करते हैं कि इसका पोजेशन बाकी ब्लॉक के नस्बत तकरीबन 1.5 साल या 2 साल पहले हैंडओवर कर दिया जाएगा. तो जिन लोगों ने ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट 2 में प्लॉट बाय किए थे उनके प्लॉट का स्टेटस बारे में क्या है, उनको पोजेशन? देखिए, ऐसा नहीं होगा. होगा ये कि जो पहले प्लॉट सेल हुए थे उनको पहले मिलेगा पोजेशन, प्रोवाइडेड कि उनकी पेमेंट्स ऑन टाइम आ रही है. हम अभी ओवरसीज वन की तो हमने शुरू कर दिया पोजेशन, आपने लेटर देखा होगा हमारा, हम उसको शुरू कर दिया. हमने वो हैंड ओवर हम कर रहे हैं लोगों को प्लॉट, जो बनना चाहे वो दे कैन गेट देयर पोजेशन. ओवरसीज टू उसके बाद बैलेटिंग होगी और उनको मिलेगा पोजेशन. ओवरसीज प्राइम जो है वो थर्ड सीजन में मिलेगा, यानी कि एग्जेक्टर और ओवरसीज जो टू है उनको पहले मिलेगी सेशन और फिर मिलेगी ओवरसीज प्राइम वालों. अच्छा, एट द सेम टाइम कि एग्जेक्टिव जैसे जनरल ब्लॉक के लोग, कुछ लोगों ने प्लॉट शिफ्ट किए एग्जेक्टिव ब्लॉक में, तो एग्जेक्टिव ब्लॉक का कंपैरिजन टू ओवरसीज ब्लॉक स्टेटस डेवलपमेंट का काफ़ी पीछे है. अब रिसेंटली तकरीबन 3 वीक्स पहले मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी ब्लॉक सी की, जिसमें जब बैलेटिंग हुई थी 2019 दिसंबर में, तो बताया गया था कि एग्जेक्टिव ब्लॉक के 2 ब्लॉक्स दिसंबर 2020 तक रेडी हो जाएंगे. उनमें ब्लॉक बी में तो काम डेफिनेटली 100% उसी एक्यूरेसी से जा रहा है, लेकिन सी ब्लॉक और एग्जेक्टिव के जो बाकी ब्लॉक हैं जिनमें डी ई एफ जी एच इस तरह जो ब्लॉक्स हैं उनका कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं है. साइट की मैं अक्सर साइट की वीडियोज बनाता रहता हूँ, तो उनका कोई ऐसे स्टेटस नजर नहीं आता. देखिए, आपको शुरू हो चुका है, अब मैं भी आपको कहना बैक में जा नहीं सके. यहाँ हमारा बैचिंग कॉन्क्रीट प्लान लगा हुआ है और लेक है ना, उसके बैक में अभी आपने ग्राउंड लगी देखी होगी, वो उसका जो आखिरी हिस्सा है वो हार्मनी पार्क का है, और पहले उसके बी सी डी ई पार्क है, एग्जेक्टर ब्लॉक के ब्लॉक है, उसमें हमारे अभी शुरू हो चुका है. और स्टू में भी काम पहले शुरू हो चुका है, और एग्जेक्टर ब्लॉक के बाकी 3 सेक्टर में काम शुरू हो चुका है. रिसेंटली काम शुरू किया हमने, और चूंकि बीच में कोरोना हमने प्रॉमिस तो किया था 2020 में, मगर कोरोना की वजह से कुछ लॉकडाउन रहा, काम बंद रहा, मगर फिर भी हम ओवर टाइम हमने फिर जब ओपन हुआ हमने ओवर टाइम अभी डबल टू शिफ्ट में काम कर रहे हैं, और सारा जो लॉसेज है हम उसको कवर कर रहे हैं. बाई दिसंबर दिस ईयर इंशाल्लाह हमारा ख्याल है कि जो लॉसेज हुए हैं अभी कहा कोरोना लॉकडाउन हम वो कवर कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इसके, एक ब्लॉक है जिसको अब तक सेल नहीं किया गया, लेकिन उसको जब पोजेशन की लेटर आउट हुआ था तो उसमें ब्लॉक का जिक्र था जिसका अभी मार्केट में किसी के पास कोई प्लॉट अवेलेबल नहीं है, ऐसा किसी ने प्लॉट खरीदे नहीं उस बारे में, दैट इज एग्जेक्टिव ब्लॉक ए कमर्शियल.
तो ये कमर्शियल प्लॉट्स कब लॉन्च होंगे और इनके जो लॉन्चिंग के बाद इनका पोजेशन जो होगा, जैसे कि उनके पोजेशन के लेटर में स्पेसिफिकली उसका मेंशन है, तो उन प्लॉट्स की लॉन्चिंग कब तक होगी? ऐसे है कि वो देखिए बाज ऐसी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी बुक हुई हुई हैं, बाज़ लोगों ने बाज़ डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के और बाज़ ऐसे अदारे हैं उन्होंने बुक किया हुआ है, वो उनमें से एक ब्लॉक है उसकी वो सेल फिलहाल नहीं होगा, 50% सेल होने उसने 50%, मगर वो हम जब हम पोजीशन दे देंगे उनको उसके बाद बचेंगे वो सेल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके दो ब्लॉक्स इसी जगह बैठे हैं जहाँ पे सोसाइटी का सब डिज़ाइन ऑफिस है, इसके बिल्कुल बैक साइड पे है लेक व्यू ब्लॉक, कैपिटल हिल्स लेक व्यू ब्लॉक, और इसके साथ जो मेन रोड प्राइम ब्लॉक के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे है रिवर व्यू ब्लॉक। तो इन ब्लॉक्स में डेवलपमेंट वर्क देखा जाए कंपेरिजन टू ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट 2 एंड डिस्ट्रिक्ट 1, इनका ब्लॉक का डेवलपमेंट वर्क ज़्यादा है एज कम्पेयर टू उनके, क्योंकि इनकी शायद लैंड ऐसी ऑलरेडी कि वहाँ पर काम करना ज़्यादा फिजिबल था। दूसरी, इनकी यहाँ पर जो लॉन्चिंग होगी विलास की, बहुत सारे लोग पूछते हैं उसके बारे में कि उन विलास की लॉन्चिंग या स्टार्टिंग प्राइस या क्या ब्रैकेट होगी जिसके मॉडल विलास ब्लॉक ए स्ट्रीट 1 पे बन रहे हैं, इन विलास की लॉन्चिंग कब तक होगी? देखिए ऐसा है कि एक तो यहाँ पर दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में नंबर वन तो जहाँ डेवलपमेंट क्यों हो रही है हालांकि सेल नहीं हुआ हुआ, क्योंकि जो चीज़ें विलास हमने बना के सेल करने हैं तो उसकी डेवलपमेंट होगी तो जाहिर है उसके ऊपर विला बनेंगे तो फिर हम वो सेल करेंगे। अगर हम वो आज भी सेल करना चाहें, डिमांड है हमारे पास, हम वो सेल कर सकते हैं, मगर हम सेल नहीं कर रहे हैं। जब हम इस पोजीशन में आ जाएंगे कि वो डेवलपमेंट हो जाए और विला की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने वाली होगी, फिर हम स्टार्ट कर सेल करेंगे, क्योंकि हमने वो 3 साल के ले लिए इंस्टॉलमेंट, अगर हम आज सेल कर दें तो 5 साल बाद हम नहीं देना चाहते, हम चाह नहीं रहे कि हमारा रिकॉर्ड ख़राब हो। हम जब सेल करेंगे उसका जो हम 3 साल का पीरियड देंगे तो हम उसको उसमें मुकम्मल करना चाहते हैं, पहले डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पहले मुकम्मल करेंगे, फिर हम वहाँ पे विला स्टार्ट करेंगे, फिर हम सेल करेंगे। मेरा ख्याल है कि अगले साल 2021 के मिड में हम इसको लॉन्च करने के होंगे पोजीशन में इंशाल्लाह। मुझे एक और मेंबर ने सवाल किया था यूट्यूब पे, एक सवाल पूछा था उन्होंने, सवाल किया था, मैं पूछा था कि जो बेसिकली गैस की पाइपलाइन है अभी इनिशियली सोसाइटी के पास जाहिर सी बात है कि जॉब में लिमिटेड सर्टन नंबर तक जब तक घर नहीं बनते तो गैस की प्रोविजन नहीं होती एज पर SNGPL रूल्स, तो ये जो गैस की पाइपलाइन जो सोसाइटी ने बिछानी है, जो सोसाइटी की तरफ से बिछाई जाएगी, आया ये डेवलपमेंट पोजेशन हैंडओवर करने से पहले या उसके बाद, ये कब बिछाई जाएगी गैस की पाइपलाइन? देखिए इसका मैं थोड़ा सा इशू है डिपार्टमेंट के साथ, इसमें दो हिस्से होते हैं गैस नेटवर्क के, एक हिस्सा है जो गैस बाहर से आनी है उसकी NOC जो हो चुकी है, डिमांड रोड जमा हो चुका है, वो नॉज का पाइप आना है 11.8 किलोमीटर दूर से, उस पर काम शुरू हो चुका है हमारा, वो डिपार्टमेंट खुद बिछाएगा, हमने पैसे जमा करवा दिए वो खुद डिपार्टमेंट बिछाएगा। दूसरा है वेदर सोसाइटी, उसका भी हमने सारा डिज़ाइन मुकम्मल कर लिया है, जो हम NOC हुई थी उसके मुताबिक हमने अप्लाई करना है SNGPL को, और SNGPL फिर हमें अलाउ करेगा कि हम अपना पाइप बिछा दें, तो वो हम जब 40% डेवलपमेंट हो जाएगी किसी भी एक सेक्टर की, सेक्टर बाई सेक्टर वो अलाउ करते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे उसकी, क्योंकि सबसे आखिरी जो होती है ले चीज़ वो सुई गैस का पाइप होता है, क्योंकि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन अगर वो लीक हो जाए या टच हो जाए तो वो लीक हो सकता है, जो कि किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है, इसलिए सबसे आखिर में जब 40% हो जाए मुकम्मल तो फिर हम ले कर सकते हैं वो पाइप। मगर उसका एक हल है, हमने रोल आउट चालू तान भी किया हुआ था, हमने अपने 100+ जो सिलेंडर्स हैं बाय करके रखे हुए हैं, हम खुद मार्केट से वो फिल करा के लाते हैं और 24/7 मल्टी में अवेलेबल होती है टेलीफोन के ऊपर, वो जो जहाँ जिस भी घर की कॉल आ जाती है अभी भी चल रहा है सिलसिला, हम वो सिलेंडर चेंज कराते हैं, पुराना ले आते हैं नया वहाँ ले आते हैं, और मार्केट रेट से हम कम पे वो उनको सप्लाई कर रहे हैं। मगर हमारी जब तक वो घर बनाएंगे सेशन लेके उसको तक गैस आ चुकी होगी इंशाल्लाह, ये हम इंशाल्लाह शोर कर रहे हैं कि गैस की उस वक्त आ चुकी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके जैसे स्मार्टली के विलास जब बेचे गए थे, क्योंकि स्मार्टली में HLT एक नाम है पिछले 60 साल से कि एक कंपनी पाकिस्तान की लीडिंग कंपनी है कंस्ट्रक्शन बेस, तो इसके जब मॉडल विलास अभी सॉरी स्मार्टली के जब विलास लॉन्च किए थे जो आम विलास हैं, इनमें एक ऑप्शन दिया गया था फिनिशिंग में स्टैंडर्ड एंड एग्जेक्टिव। अब स्टैंडर्ड, अब मैंने बहुत सारे विलास हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानी को मैंने सेल किए हैं, उनके पास ये कॉमन सवाल होता है कि हमारा विला हम अलग से चूज करना चाहें एग्जेक्टिव या स्टैंडर्ड, वो हमें ऑप्शन कब तक दिया जाएगा, क्योंकि आमतौर पर विलास की कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी स्टार्टेड है, तो ये उनको ऑप्शन कब तक अवेल करना है कर सकते हैं? लेकिन ये स्टैंडर्ड विला तो हम सारे बना रहे हैं, जो सारे विला इस वक्त बन रहे हैं वो स्टैंडर्ड विला में बन रहे हैं, जो एग्जेक्टिव उसने होना है ना उसके अंदर फैसिलिटीज हैं जो ज़्यादा होंगी,
कुछ फर्निशिंग आइटम ऐड करेंगे, कुछ उसमें स्मार्टनेस और चीज़ें ऐड करेंगे, वो हम यहाँ पे ना एक शोरूम बना रहे हैं, साइड पे हम शोरूम तैयारी कर रहे हैं। हाँ, डिफरेंट हमारे पार्टनर्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें भी लेके आएंगे, फर्नीचर भी चीज़ें लेके आएंगे, प्लस बाकी जो स्मार्ट स्विचेस वगैरह वो लेके आएंगे। फिर हम लोगों को यहाँ बुलाएंगे खुद, तो खुद चूज़ करें उनके साथ मिलके, जो हमारे जो आउटलेट्स होंगे उसमें चूज़ करें, ताकि हम उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही वो चीज़ वहाँ पे लगाना चाहते हैं, जैसे वो ख्वाहिश करें उनको ख्वाहिश करें। देखिए एक चीज़ जो है, एक जो ओवन है माइक्रो ओवन, वो 4000 रुपये का भी आ रहा है, 8000 रुपये का भी आ रहा है, हम फिक्स नहीं कर सकते उसको। किसी ने पहल लगाना है तो पहल लगाए, किसी ने गोल्ड स्टार करना तो गोल्ड स्टार लगाए, हम वो सारी सर्विसेज और सारे आउटलेट में हम वो रखेंगे, सारा शोरूम में जो भी कोई होना चाहेगा हम उनको लगाएंगे, और हम फिर डायरेक्ट जो डायरेक्ट इन कर जो जो सर्विस दे रहा होगा वो लोग डायरेक्ट हो जाएंगे, सब साल लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपसे बहुत ज़्यादा सवाल सवाल पूछा गया होगा अबाउट डेवलपमेंट चार्जेस कि कितने होंगे, और एक सवाल जो बहुत कॉमन है, बहुत सारे मेंबर्स ने बात की थी कि DHA एंड बैरिया, इन्होंने जब इनिशियल फेजेस अपने लॉन्च किए थे तो इन्होंने अपने मेंबर्स को 3 साल का टाइम दिया था डेवलपमेंट चार्जेस पे करने का, तो स्मार्ट ने रिसेंटली जब अपना नोटिफिकेशन निकाला है अबाउट द पोजेशन, तो उसमें मेंशन है कि हम 4 क्वार्टर्स में पे कर सकते हैं डेवलपमेंट चार्जेस। नंबर वन, ये कितने होंगे, और क्या जो मेंबर्स अपने इंस्टॉलमेंट्स अप टू डेट पे कर रहे हैं, उनकी इंस्टॉलमेंट कभी भी लेट नहीं हुई, तो क्या उनको कुछ रिलैक्सेशन मिलेगी इसमें डेवलपमेंट चार्जेस में, और थर्ड के डेवलपमेंट चार्जेस का टाइम फ्रेम इन दिनों में क्या होगा? देखिए सिस्टम ऐसा है कि एक तो जो लोग सबसे पहले लेंगे पोजेशन उनको कुछ हमने प्रॉमिस किया हुआ है कि हम उनको रिलैक्स करेंगे डेवलपमेंट चार्जेस में। दूसरी बात आपने की है कि DHA और बहरिया जो है वो डेवलपमेंट चार्जेस के साथ ही प्लॉट सेल करता है, ये तो हमने एक एडिशनल फैसिलिटी दी है अपने मेंबर्स को या इन्वेस्टर्स को कि वो जो पार्ट ऑफ डेवलपमेंट है वो बाद में पे करें, हमने फौरन पैसे नहीं ले लिए साथ ही। जो 3 साल में पैसे लेते हैं वो सारे मुकम्मल पैसे 3 साल में ले लेते हैं, हमने ये 3 साल के बाद 1 साल और दे दिया, 1 साल और में पैसे देते हैं। इसके अलावा बल्कि बाकी दो चीज़ें हमने जो जकदम पैसे लेने थे एडवांस, वो थे एक्स्ट्रा लैंड चार्जेस और जो स्पेशल प्लॉट्स हैं कॉर्नर प्लॉट वगैरह के, वो भी हमने 1 साल में कर दिए ताकि वो लोगों को आसानी से पैसे देने में ज़रा आसानी हो जाए लोगों को। और ये डेवलपमेंट चार्जेस कितने होंगे? ये हमारे वेब पे अवेलेबल है मेरा ख्याल है, हो जाएगा अवेलेबल अभी तक, अभी अनाउंस नहीं कर किया मेरा ख्याल, अभी हम जल्दी करने वाले हैं अनाउंस। मोस्टली मैं इंट्रोड्यूस जो मैंने एक वीडियो बनाई थी इस पर डेवलपमेंट चार्जेस पे, आई थॉट के आई सेट 1,25,000 रुपीस चार्जेस है, नहीं फिक्स नहीं है, कुछ इंटरव्यू आपको बता देखिए फिक्स नहीं है, हमने कभी फिक्स नहीं किया, हमने कभी नहीं कहा कि 1,25,000 होंगे पर मरला, हम ये कहते हैं कि मुख्तलिफ होंगे, 5 मरले के प्लॉट पे मतलब पर मरला और प्राइस होगी। अब देखिए जो है ना 1 लाख का प्लॉट है उसका फ्रंट 50 फुट होता है, जो 5 मरले का प्लॉट है वो हालांकि 1/4 है उसका फ्रंट 25 फुट होता है, अब उसका 50% चीज़ें बननी है, रोड भी 50% बननी है, पाइप सीवर गैस बिजली हर चीज़ 50% है, तो 1 क्वार्टर नहीं हो सकता, इसलिए वो हर साइज के जो प्लॉट के लिए मुख्तलिफ रेट होगा, पर मल्ला रेट मुख्तलिफ होगा। ये उन सब मेंबर्स के लिए बहुत अच्छी खबर है जिन्होंने पहले स्मार्ट ने प्लॉट खरीदे हैं, कनाल के 2 कनाल के प्लॉट्स जिनके साइजेस बड़े हैं प्लॉट के, तो डेफिनेटली उनके जिस मालिक साहब ने भी कहा कि वो फिक्स नहीं होंगे चार्जेस, जब फिक्स होंगे तो डेफिनेटली जब अनाउंस होंगे चार्जेस तो कैटेगरी वाइज होंगे 5 मरला 7 मरला 10 मरला सेपरेट चार्जेस, और उसके बाद पर मरला जो चार्जेस कनाल 2 कनाल के होंगे वो कम होंगे। सर नेक्स्ट इसके एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिसकी बहुत ज़्यादा मार्केटिंग की गई 790 अपार्टमेंट्स एंड जो स्पेनिश आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया, और उसके बारे में इंफैक्ट जो आप M2 मोटर पर ट्रैवल करते हैं टुवर्ड्स इस्लामाबाद तो आपको वहाँ भी उसके कुछ बैनर्स नजर आते हैं, प्लस आपको होल्डिंग की जो मेन कमेटी चौक है वहाँ मतलब बड़े बड़े जो पिंडी रावल इस्लामाबाद में जहाँ जहाँ बिल बोर्ड्स हो सकते हैं तो वहाँ पर उसकी मार्केटिंग हो रही है फ्रॉम द लास्ट 4-5 मंथ्स, उसके बारे में बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि वो जो 1 कैपिटल रेसिडेंस अपार्टमेंट्स हैं वो कब लॉन्च होंगे और उनमें क्या क्या फैसिलिटीज होंगी, वो एक पूरा ब्लॉक है तो उसमें जरा उस पर मैं थोड़ा सा बताइए। देखिए वो ब्लॉक नहीं है, वो ओवरसीज 1 के अंदर बनेंगे और वो 1780 अपार्टमेंट है और वो ग्राउंड प्लस 9 स्टोरी डिजाइन बाई स्पेनिश आर्किटेक्ट और वो बड़ा एक स्पेशल जूट्स है हमारे विद इन ओवरसीज 1 और बड़े स्पेशल अपार्टमेंट होंगे वो, और मेरा ख्याल है कि वो 2021 में हम लॉन्च करेंगे, 2021 में उन अपार्टमेंट की लॉन्च हो जाएगी इंशाल्लाह। और उसमें ना स्पेशल ये है कि वो एक कंप्लीट प्रोजेक्ट होगा विद इन दैट प्रोजेक्ट, कंप्लीट हर चीज़ वो उसके अंदर ही मिलेगी, शॉपिंग उसके अंदर है, क्लब है उसके अंदर, स्कूल उसका अपना है, मस्जिद अपनी है, शॉपिंग एरिया भी अपना है, और इवन हमने उसको 250 जो रूम है वो सर्विस अपार्टमेंट भी बनाए हैं, अगर जो लोग आने वाले हैं उन्होंने
चंद दिनों के लिए लेना है अपार्टमेंट, मेहमान आ रहे हैं तो वो उनसे रेंट भी ले सकते हैं, और प्लस हमने उनको ऑफिस भी वहाँ रेंट पर देने का इंसान किया हुआ है, जो वहीं रहेंगे और उन्होंने काम अपने रेंट लेना है, दो घंटे के लिए ऑफिस रेंट करने लेना है, या दो दिन के लिए लेना है, या दो माह के लिए लेना है, या परमानेंट लेना है, उनको ऑफिस स्पेस भी हम वहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इट सेल्फ एक पूरा कंडोमिनियम सिस्टम है जो कि डिज़ाइन हुआ हुआ है यूरोपियन स्टाइल में, और वो विद इन वन बाउंड्री सर्विस वहीं मिलेंगे। सर आपने एक इंटरव्यू में रिसेंटली बात की थी प्लग एंड प्ले ऑफिस के वाले से, जिसे कह रहे हैं आईटी डिस्ट्रिक्ट कह रहे हैं, सिलिकॉन वैली कह रहे हैं, आपने कहा था कि एक ऐसा पूरा डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे जिसमें सिर्फ ऑफिस होंगे प्लग एंड प्ले, तो उन ऑफिस के बारे में साइट कहाँ पे है और कब तक उसका लॉन्चिंग एक्सपेक्टेड है? देखिए वो सिलिकॉन वैली पाकिस्तान कंपनी हमने रजिस्टर की हुई है, सिलिकॉन वैली पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड, उसका वो प्रोजेक्ट है, वो हमारे फ्यूचर डेवलपमेंट होल्डिंग की सब्सिडियरी कंपनी है, और उसमें एक यूनिवर्सिटी है, कैंपस है 3 से 4 हज़ार स्टूडेंट आई टी स्टूडेंट्स का, और प्लस उसमें 1,60,000 ऑफिस हैं, डेस्क हैं ऑफिस, और प्लस उसमें 2 स्टार होटल हैं, 3 स्टार होटल हैं, ताकि जो लोग काम करेंगे उनको चीप अकोमोडेशन उनको परमानेंट मिल सके वहाँ पे, तो 2 स्टार और अफोर्डेबल जो अपार्टमेंट कम होटल होंगे वो उसमें बना रहे हैं, तो वो हमारा एग्जेक्टर जो ब्लॉक है उसके एंड पे, और बिल्कुल हार्मनी पार्क के भी कुछ नज़दीक बनाया हुआ हमने, क्योंकि मोस्टली जो हार्मनी ब्लॉक बनाने का मकसद ये था कि जो लोग आईटी के शोबे से काम आएंगे काम करेंगे, और प्लस न्यू टेक एक बड़ी यूनिवर्सिटी लेके आ रहा है, आपने सुना होगा 30 से 40 हज़ार स्टूडेंट की यूनिवर्सिटी होगी, जो स्टूडेंट्स होंगे या जो फैकल्टी होगी उनको एक अफोर्डेबल अकोमोडेशन चाहिए होगी रहने के लिए, फैमिली के साथ भी और बैचलर भी, तो जो हार्मनी ब्लॉक है वो उन्हीं के लिए डिज़ाइन किया गया था, वो बिल्कुल उनके दरमियान में है, एग्जेक्टर ब्लॉक एंड में हमारा सिलिकॉन वैली है, उसके साथ आर्मी पार्क है, और एक न्यू टेक है। यही आर्मी पार्क ब्लॉक में लोकेशन के बारे में पूछने वाला था कि बहुत सारे लोगों ने जो वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पे, तो उन्होंने जिक्र किया कि आर्मी पार्क ब्लॉक यहाँ लोकेटेड है, आर्मी पार्क वहाँ लोकेटेड है, लेकिन आर्मी पार्क ब्लॉक का अभी तक मार्केट में मैप लॉन्च नहीं हुआ, ऑफिशियल लॉन्चिंग नहीं हुई मैप की, ना उसकी बैलेटिंग हुई है। अगला सवाल मेरा बैलेटिंग से रिलेटेड और आर्मी पार्क से रिलेटेड है कि हार्मनी पार्क कहाँ पर लोकेटेड होगा, और जो ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट 2 और एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट 2 और हार्मनी पार्क में लोगों ने प्लॉट्स बाय किए इन द रिसेंट मंथ लाइक 1 ईयर सो, उन लोगों के प्लॉट्स को उनका बैलेटिंग में कब तक उनको उनके प्लॉट की बैलेटिंग कब तक हो जाएगी? देखिए सारे जो ब्लॉक्स हैं ना वो अपने टाइम से पहले ही हम डिलीवर करेंगे, ये 100% गारंटी और कॉन्फिडेंस है हमें भी, अल्लाह ताला का फजल करम है कि हम जो भी प्रॉमिस किया है अब तक हमने पूरा किया है, और अब ओसीज 1 के बाद ओसीज 2 का हम हैंड ओवर पर जाएंगे, उसके बाद हम रेजेक्टर ब्लॉक पहले जाएंगे, उसके बाद ओसीज प्राइम और हार्मनी पार्क बोस पे जाएंगे, तो इस तरह हमने इसी तरह इसके मुताबिक ही जाएंगे, कुछ चीज़ ले आगे पीछे नहीं कर रहे हैं, हम सीक्वेंस भी रख रहे हैं जो हम जिस तरह ने सेव किया था। स्मार्ट की बात जाहिर सी बात है कि ये कुरान ज्यादा है कि उन्होंने जैसे रॉयल ऑर्चर मुल्तान को पैलेट बिफोर टाइम हैंड ओवर किया, मैंने साइट विजिट भी किया था, साहिवाल ऑर्चर को देखा उन्होंने बहुत अच्छा बिफोर टाइम विजिट किया, इनफैक्ट साहिवाल ऑर्चर में प्लॉट जैसे 10% अवेलेबल है डेवलप पोजेशनेबल प्लॉट, यहाँ पे जो प्लॉट्स होंगे जैसे यहाँ पे प्लॉट हैंड ओवर किए जा रहे हैं बिफोर टाइम, ये तो जाहिर सी बात है एच आर टैक सिग्निफिकेंस हो गई कि उन्होंने पाकिस्तान में एक वाहि डेवलपर है जिसने इतना किया। पॉइंट इसकी अब जो हार्मनी पार्क में ब्लॉक में और जो एग्जीक्यूटिव 2 में इनकी बैलेटिंग होनी है बिफोर द पोजेशन, जैसे 2019 में बैलेटिंग हुई ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट 1 की और 2020 एंड तक उनको सब एक एटलीस्ट पोजेशन स्टार्ट हो गया, तो इनकी बैलेटिंग कब तक होगी ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट 2 एंड एग्जीक्यूटिव 2 बैलेटिंग, और इनका पोजेशन कब तक हैंड ओवर होगा? देखिए जो ओवरसीज 2 की बैलेटिंग तो इंशाल्लाह 2022 में होगी, ठीक है, और जो एग्जीक्यूटिव के बाकी ब्लॉक की होगी 2022 में होगी, ओवरसीज प्राइम और जो हार्मनी पार्क हैं उनका मेरा ख्याल है कि हम 2022 में करेंगे बैटिंग, हार्मनी पार्क के 2022 में बैटिंग है, और जो हार्मनी टॉप के जो अपार्टमेंट्स हैं 3.5 मरला एंड 5 मरला सारे इकट्ठे मिलेंगे, वो पोजीशन भी इनके साथ है, साथ में देंगे। और दूसरी बात थी कि अभी आने वाले दिनों में ऐसे ब्लॉक्स हैं कि जिनका अभी लॉन्चिंग रहती है और उसके बाद उनको पोजीशन आएगा, यानी जी ऐसे कि ऐसे बहुत से अभी डिस्ट्रिक्ट रहते हैं मगर हम अभी आपको बता नहीं रहे कौन से रहते हैं, उससे सरप्राइज खत्म हो जाएगा, सरप्राइज खत्म हो जाएगा, सरप्राइज जैसे जरा और सिर्फ प्राइम का सरप्राइज दिया ना आपको हमने, दो हफ्ते पहले हमने लॉन्च किया था और उसकी प्रोग्रेस हमने देख ली है, इतनी ज्यादा माशाल्लाह तेज हो गई, तो सरप्राइज तो रहने देना नहीं, ये स्मार्ट टेक पास डेफिनेटली एडवांटेज आ गया कि क्या शायद उसकी मैनेजमेंट ने ऐसी चीजों को कंट्रोल किया है कि स्मार्ट टेक में कोई ब्लॉक लॉन्च होता है तो ऑलरेडी बायर उसके बिफोर टाइम ऑलरेडी इसके बायर होते हैं, जैसे अभी रिसेंटली ब्लॉक लॉन्च किया वर्सेस टाइम, तो विद इन 3-4 डेज मेरे पास जो कोटा आया था 70% बिक गया, जो एक लिमिटेड कोटा आया था आयास फॉर मोर लेकिन उसे कम मिला, लेकिन उसका बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है और बहुत अच्छी। देखिए इसकी वजह पता क्या है,
मैं ना मुझे सब लोग क्वेश्चन करते हैं कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं या लोकल हैं वो डर लगता है और इन्वेस्टमेंट करें ना करें। मैं कहता हूँ जी कि कैपिटल स्मार्ट सिटी में बिल्कुल ना करें, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें। सब तीन चीज़ें देखें, पहले नंबर वन ये देखें कि लैंड अवेलेबल है डेवलपर के पास कि नहीं, ठीक है। अलहमदिल्ला हमारे पास है लैंड, आपने देखा है जो डेवलपमेंट नहीं हो रही वो भी लैंड अवेलेबल है, अभी भी लैंड अवेलेबल है। नंबर टू, डेवलपर है कौन, उसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है, वो उसने टाइम पे डिलीवरी की हुई है नहीं की हुई, जो बाकी काम किए हैं वो डेट है नहीं डेट। अलहमदिल्ला 65 ईयर में हो गए हैं मार्केट में, मैं 35 ईयर से इसको अदारे के साथ हूँ, मुझे नहीं याद कि मेरे होते हुए तो कम से कम कोई प्रोजेक्ट लेट नहीं हुआ, उससे पहले भी मैंने ये लिखा है रिकॉर्ड नहीं है कि कोई प्रोजेक्ट लेट दिया हो हमने अपने क्लाइंट को। नंबर तीन जो है ना वो ये देखना होता है कि सर्विसेज जो बाकी हैं वो अवेलेबल हैं कि नहीं। तो पानी की बड़ी कमी है पाकिस्तान या इस इलाके में, हमने 18 मंथ लगाए थे R&D करने में कि पानी अवेलेबल हो, कनेक्टिविटी बेस्ट हो और वो जो सर्विस बाकी हैं अवेलेबल हो। अब बिजली हमारे पास से गुजरी है 100 KVA ग्रिड बनाने के लिए, पानी हमें हमारे पास अवेलेबल है, चौहान डैम भी है, रिवर सेल के ऊपर हमारे ट्यूबवेल देखे होंगे आपने के साथ लगे हुए हैं, पानी वहाँ से हमारा बड़ा अच्छा आ रहा है और बाकी सर्विसेज गैस की सर्विसेज अवेलेबल हैं और सब सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं, कनेक्टिविटी बेस्ट है। चक्की रोड पर हमारे 4 एंट्रीज बन रही हैं, मोटर वे पर हमारी एंट्री बन रही है, रिंग रोड हमारे पास आ रहा है, तो इस लिहाज से ना ये बेस्ट लोकेशन है। तो अगर ये तीन चीज़ें इंश्योर कर लें तो फिर आप इन्वेस्टमेंट करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तीनों चीज़ें हमारे पास कम से कम मौजूद हैं, ठीक है। आपने जो थीम पार्क का HL ने अनाउंस किया कि थीम पार्क जो होगा जो रिंग रोड से एडजेसेंट होगा वो थीम पार्क स्मार्ट मतलब ऑफिशियल्स ऑफ HL बनाएंगे, उसमें रिंग रोड कितनी प्रॉक्सिमिटी में है, रिंग रोड की जो एग्जैक्ट रेंज है, जैसे यहाँ से ये चक्की रोड से देखें तो जो मीरा शरीफ इंटरचेंज है उसकी रेंज और दूसरी उसका स्मार्ट सिटी क्या कनेक्टिविटी मिलेगी इसको। देखिए ये तो चक्की रोड है ना जी, एक पब्लिक रोड है, उसको तो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती कि स्मार्ट सिटी में लोग जाएँ और बाकी लोगों में ना जाए, तो वो तो एक पब्लिक रोड है ना। जब इंटरचेंज बनेगा चक्की रोड से गुजर रही रिंग रोड, वो हमारे गेट से पहले गेट से 2.5 किलोमीटर दूर है सर, तो जो उसका लूप बनते हैं वो बनते बनते 1 किलोमीटर हो जाता है, तो 1.5 किलोमीटर दूर है सिर्फ जो रिंग रोड है हमारे से गुजर रहा है। और मोटरवे पे जो रिंग रोड है जो मोटरवे साइड से है वो 4.5 किलोमीटर हमारे बाउंड्री से बाहर है, तो इस लिहाज से तो ये बेस्ट कनेक्टिविटी हो जाती है। जैसा लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जैसे DHA मुल्तान जिसका रिसेंटली HL के पास कॉन्ट्रैक्ट किया उसके डेवलपमेंट का, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत मुबारक उसके लिए कि DHA पाकिस्तान में जितने भी इनफैक्ट पाकिस्तान में जितने फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कहीं ना कहीं HL का नाम साथ उनके कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं मोटरवे कर रहे हैं, कहीं DHA के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, बैरिया एकेंडा कराची कर रहे हैं, गुड्डू पार्क प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। पॉइंट अब लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जिस तरह DHA मुल्तान ने अपने मेंबर्स को एक फिजिबिलिटी दी है कि जो पहले 100 लोग या 200 लोग घर बनाएंगे उनको डेवलपमेंट चार्जेस पे पे ऑफ मिलेगा, तो क्या स्मार्ट ने भी अपने इनिशियल प्लान के लिए कुछ ऐसा जी, हमने ऑलरेडी ये प्लान किया हुआ है, हमने अनाउंस भी किया हुआ है, तो मेरा ख्याल है मैप पर ये चीज़ अवेलेबल है और हमारे मुजीब साहब जो है अक्सर आप बताते रहते हैं चीज़ें इस तरह की, तो वो आप उनसे रब्ता कर लीजिए, इन शाला आपको अच्छी खबर देंगे। थैंक यू सो मच मलिक साहब फॉर दिस टाइम, और आपने बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया और व्यूअर्स के लिए कि आप लोग जो भी सवाल थे जो सवाल किए थे रिगार्डिंग स्मार्ट सिटी पोजेशन डेवलपमेंट चार्जेस या उसके न्यू ब्लॉक्स जो लॉन्च हो रहे हैं पुराने ब्लॉक्स हैं उनके बारे से मैंने ट्राई किया कि तमाम सवाल आपके मलिक साहब साहब रख सकते हैं जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के। इस मांची में दीजिए सर अगली वीडियो तक के लिए, खुदा हाफिज़।